हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। फटाफट अंदाज में एक एक करके सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे, खबरों में बढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभालने जा रहे हैं चुनावी अभियान की कमान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 और 9 नवंबर को झारखंड में ताबड़तोड़ जनसभाओं को करेंगे संबोधित और यहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाएंगे माहौल जबरदस्त तरीके से। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही ईवीएम के खिलाफ में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, ये खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलें कि 6 नवंबर को महाराष्ट्र में गारंटी कार्ड जारी करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी यहां पर मौजूद रहेंगे राहुल गांधी के साथ में, और गारंटी जो यहां पर पत्र है वो जारी किया जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। अब यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सामने, चुनाव आयोग के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का फैसला करके कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल ही सही किया है। सही इसलिए किया है क्योंकि चुनाव आयोग अब बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अपमानजनक भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और फिर भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अगर चुनाव आयोग को कांग्रेस की शिकायतों में सच्चाई नहीं नजर आ रही थी तो उसे खारिज कर देना था, मगर वह लक्ष्मण रेखा को लांघ करके राजनीतिक बयानबाजी पर उतर आया है। राजनीतिक बयानबाजी राजनीतिक दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग को यही काम दिया गया है कि यहां पर कोई भी शिकायत आए तो उसे सीधे ही खारिज कर देना है, कोई भी जांच नहीं करवानी है। आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताते चले, तमाम ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरह से सरकार ने कब्जे में कर रखा है। अपने लोगों को चुनाव आयोग में पहले एंट्री करवाई गई, कानून बनाया गया कि सीजीआई को कमेटी से बाहर किया जाएगा और चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे उनको सरकार ही चुनेगी। इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या थी। और वहीं आप लोगों को बताते चले, अब कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है हमारे पास, चुनाव आयोग अहंकार में डूबा है और वे यहां पर हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं, अपने आप को ही क्लीन चिट दी जा रही है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। 20 सीटों पर गड़बड़ी का जवाब ही नहीं दिया, ये भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। अब यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाया जा सकता है, ये भी कानूनी तैयारी यहां पर पूरी तरह से चल रही है। यानी कि अब यहां पर चुनाव आयोग कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी जान गई है कि आखिर भाजपा चुनाव कैसे जीत रही है। दोस्तों, ये अपडेट आई है। इसके साथ ही एक और खबर की तरफ दोस्तों यहां पर बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने निकल के महाराष्ट्र में, यहां पर एमबीए ने मांग की कि डीजीपी को बदला जाए, लेकिन नहीं बदला गया। झारखंड में बीजेपी ने मांग की चुनाव आयोग से कि डीजीपी को बदला जाए, तत्काल बदल दिया गया। लेकिन इस बीच खबर आ रही है, देवघर एसपी का नहीं किया गया ट्रांसफर। झामुमो, आरजेडी, कांग्रेस, माले ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद देवघर के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी का अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के गठबंधन ने एसपी के तबादले के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरा मामला सामने निकल के आया है। इस तरीके से अधिकारियों की फील्डिंग की जा रही है ताकि यहाँ पर एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके, इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से, जहां पर इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी
और कांग्रेस पार्टी का जलवा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का कई सालों के बाद महाराष्ट्र में हो सकता है मुख्यमंत्री। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र में कांग्रेस का जलवा। 50% बढ़ेंगे सीटें एनसीपी, शिवसेना का बड़ा नुकसान होगा। ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर बड़ा खुलासा हो चुका है। बताते चलें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के दोस्तों एक ताजा सर्वे सामने निकल के आया है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में सीधी लड़ाई एमबीए और महायुति के बीच में ही नजर आ रही है। इस बीच एक सर्वे आया है जिसमें महाराष्ट्र में एमबीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमबीए को यहाँ पर 157 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 145 का है। दोस्तों इस भरोसेमंद सर्वे की बात करें तो एमबीए में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आ सकती है, जिसे 68 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार को 44, शिवसेना यूबीटी को 41 सीटें और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम को एक एक सीट यहां पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि महायुति का तो सुपड़ा ही साफ हो रहा है राज्य से। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को मात्र 117 सीटें ही मिल सकती है, जिसमें से सबसे अधिक बीजेपी को लगभग यहां पर 79 सीटें मिल सकती हैं, जीत मिल सकती है इतनी सीटों पर। इसके अलावा शिवसेना शिंदे को 23 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 14 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में भी 14 सीटें ही जा सकती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राज्य में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, एमबीए की सरकार बन रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र काफी यहाँ पर एक बड़ा राज्य है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो ये एक भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर सीधे तौर पर हमलावर हो गई है। झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये मोदी सरकार के लिए सटीक शब्द हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला सामने निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी विषय पर किए गए हमलों पर जोरदार तरीके से जवाब दिया है और भाजपा बैकफुट पर आ गई है। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए एक क्रूर मजाक है। उन्होंने पीएम पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाते हुए बीजेपी को विश्वासघात और जुमला की पार्टी करार दिया है। पीएम मोदी ने खड़गे के चुनावी वादों को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल है। आपको याद होगा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी जब यहां पर गुजरात के सीएम हुआ करते थे और प्रत्याशी बनाए गए थे, तब भाजपा ने और नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने मिलकर के तमाम वादे किए थे। यहां पर नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, 15 लाख रुपए सबके बैंक खातों में आएंगे, महंगाई कम कर दी जाएगी, विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, भ्रष्टाचार कम कर दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा यहां पर होगी, हमारी सरकार आ गई तो। लेकिन हुआ क्या, यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी है, ना तो विदेशों से काला धन आया, ना ही महंगाई कम हुई और ना ही यहां पर युवाओं को रोजगार मिल पा रहे हैं। तो अब बताइए आप लोग ही कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि जुमलों की पार्टी कौन है, झूठों की पार्टी कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।